मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 जो है, जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक, उसके अंतर्गत पार्ट 3 जो है इसका, जिसका नाम है पार्ट 3 का टी फ्रॉम आसाम, आसाम से प्राप्त चाय। इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था उसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं टी फ्रॉम आसाम, आसाम की सैर कर रहे हैं एक प्रकार से। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे दो बच्चे हैं जो ट्रेन में बैठे हैं, एक का नाम है प्रांजोल और एक का नाम है राजवीर। प्रांजोल जो था वो आसाम के क्षेत्र से ही था और राजवीर दिल्ली में पढ़ने वाला लड़का था। वो दोनों कहाँ जा रहे थे, तो प्रांजोल राजवीर को, कि जो प्रांजोल रहता है वो राजवीर को अपने घर आसाम ले जा रहा होता है, तभी वो लोग एक ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं। Do you know that over 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब राजवीर उससे बोलता, क्या तुम्हें पता है कि 80 करोड़ से ज्यादा की चाय जो है वो कहाँ पी जाती है, इंडिया में। तुमको ये वाली बात मालूम है प्रांजोल? As they sipped their tea, जब वो चाय पी रहे थे तो राजवीर प्रांजोल से इसके बारे में पूछ रहा था कि प्रतिदिन 80 करोड़ से ज्यादा चाय के कप भारत में पिए जाते हैं। As the train left the station, Pranjol bent back to reading a detective novel. जब ट्रेन कहाँ जा रही थी, स्टेशन की तरफ, तब खाली समय में प्रांजोल क्या पढ़ रहा था, डिटेक्टिव नोवेल, एक जासूसी उपन्यास पढ़ रहा था, क्योंकि वो आसाम अपने घर जा रहा था, उसको सारी चीजें बहुत अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो जासूसी उपन्यास पढ़ रहा था। As a boy who grew up in Delhi, he had never seen so much greenery before. अब जो राजवीर था, जो कि दिल्ली का पढ़ा लड़का था, उसने कभी भी इतनी ज्यादा ग्रीनरी, इतनी हरियाली, इतना सुंदर सीन अपने जीवन में नहीं देखा था, तो वह पढ़ाई करने के बजाय उस खिड़की से झांक करके सारी ग्रीनरी को देख रहा था। The view was magnificent, comprising hills, tall trees and green tree fields. और वो जो व्यू था वो बहुत मनमोहक, बहुत आकर्षक था। वहां पर पहाड़ियां दिखाई दे रही थी, लंबे लंबे वृक्ष दिखाई दे रहे थे और चारों ओर क्या था, ग्रीन ट्री फील्ड, चाय के बागान दिखाई दे रहे थे। Then a building with smoke emitting from its chimney came into view. तभी राजवीर को एक ऐसी इमारत दिखाई देती है जहां चिमनी से धुआं निकलता रहता है। तो राजवीर, who had never seen a tea garden before, enthusiastically pointed it out to Pranjol. अब राजवीर ने कभी ये सारी चीजें नहीं देखी रहती, तो बड़े उत्साह से प्रांजोल को बोलता है, क्या बोलता है, प्रांजोल, used to such sights, informed him that they were in Assam, which contained the highest number of tea plantation in the world. प्रांजोल, देखो इन सारी जगहों को, देखो ये आसाम का क्षेत्र है जहां पर विश्व का सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन या चाय उत्पादन होता है। राजवीर then narrated a few legend he had come across while reading on the topic of tea. अब ये सब राजवीर किसको बता रहा था, प्रांजोल को। क्यों? क्योंकि राजवीर ने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा हुआ था। One of the stories was a Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day a few tea leaves fell into the pot, giving the water a delicious flavor. अब चाय को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली, तो उसकी जो पहली कहानी थी तो क्या थी, पहली कहानी क्या थी कि एक चीनी राजा था, एक चीनी शासक जो था चाइना में, वो रोज अपने पानी को उबाल कर पीता था। एक दिन क्या हुआ कि चाय की पत्तियों की कुछ पत्तियां उसके उबलते पानी में गिर गई और बाद में जब उसने इस पानी को पिया तो वो पानी उसको कैसा लगा होगा, बहुत स्वादिष्ट लगा होगा। तो प्रांजोल ने कहा कि मैं इन दंत कथाओं को तुमको बता रहा, तो पहली दंत कथा ये थी। दूसरी दंत कथा क्या थी,
an Indian legend, on the other hand, narrates the story of Buddha Dharma, Bodhi Dharma, an old Buddhist monk who cut off his eyelids to stay awake during meditation. अब दूसरी दंत कथा क्या थी? बुद्ध धर्म से रिलेटेड थी कि जो उसके बुद्ध धर्म का भिक्षु था, जब वो ध्यान लगा रहा था बुद्धिस्ट, तो जब वो ध्यान लगाता था तो आंखें बंद करता था तो उसको नींद आ जाती थी। उस नींद से बचने के लिए उसने क्या किया? उसने अपने आईलिट जो पलके हैं उनको काट दिया ताकि मैं ध्यान की अवस्था में नींद ना पाऊं। उस जब वो पलके कट के जमीन पर गिरी तो उससे 10 पौधे निकले और उन पौधों को जब उबाला गया उसकी पत्तियों को, तो वो क्या बना लिया? एक ऐसा पेड़ बना जिससे कि नींद दूर हो जाती थी। मतलब वो पलकों से 10 पौधे हो गए, उन पौधों की पत्तियों को जब उबाल कर पिया तो उस पानी से लोगों की नींद दूर होने लगी। मतलब दूसरा टी ओरिजिन की दंत कथा तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड हो गई। व्यासवीर देन टोल्ड प्रांजोल दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। अब राजवीर ने क्या बताया प्रांजोल को कि चाय सबसे पहले कहाँ पी गई? तो चाय सबसे पहले पी गई चाइना में और 2700 वर्षों ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, माने 2700 ईसा पूर्व सबसे पहली बार चाइना में चाय पी गई। इन फैक्ट द वर्ड चाय एंड चीनी केम फ्रॉम द चाइनीज लैंग्वेज। और वास्तव में जो शब्द है चाय और चीनी, ये दोनों ही कहां से आए हैं? चाइनीज लैंग्वेज से आए हुए शब्द हैं। यूरोपियंस ओनली डिस्कवर्ड टी इन द 16th century। और जितने यूरोपवासी हैं, यूरोपियन हैं, इन्होंने 16th century में चाय की खोज की। इवन दे कंसीडर्ड इट मोर ऑफ अ मेडिसिन देन अ ब्रेवरेज। और उन्होंने इसको किसके रूप में लिया? एक मेडिसिन के रूप में, एक दवाई के रूप में इसको उपयोग किया, ना कि एक पेय पदार्थ के रूप में। मतलब उस समय तक, 16th century तक, जो चाय थी एक एज ए मेडिसिन यूज होती थी, पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल बाद में बढ़ा। द ट्रेन नाउ रीच्ड मैरियानी जंक्शन वेयर प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द टू बॉयज। अब ट्रेन जो थी प्रांजोल और राजवीर की, वो कहाँ पहुंच गई? मैरियानी जंक्शन में, जहां पर प्रांजोल के मम्मी पापा जो थे वो दोनों का वेट कर रहे थे। टुगेदर दे ड्रोव टुवर्ड्स ढेकिया बारी टी स्टेट, द स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। तो वो रेलवे स्टेशन से कहाँ गए? ढेकिया बारी टी स्टेट, चाय बागान गए, जो किसका था? प्रांजोल के पापा का था। As they entered the estate, they saw neatly cut tree plants on either side of the road. जब वो उस स्टेट के अंदर गए, चाय बागान के अंदर गए, तो उन्होंने देखा रोड के दोनों तरफ बहुत ही स्वच्छ तरीके से, बहुत ही भली प्रकार से पत्तियों को काटा गया था और चाय के बागान दोनों ओर दिखाई दे रहे थे। टी प्लकर्स with bamboo baskets and plastic aprons were busy plucking new grown tea leaves. और जो चित्ते चाय संग्राहक थे, जो चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले जो मजदूर वहां काम कर रहे थे, तो देखा कि उन्होंने बहुत बड़ी सी बैम्बू बास्केट अपने पीठ के पीछे लटकाई हुई थी, प्लास्टिक का एप्रन पहना हुआ था, और जो नई नई फ्रेश पत्तियां चाय की थी उसको तोड़ तोड़ के अपनी बास्केट में रख रहे थे। राजवीर लुकिंग एट द सीन आस्क्ड प्रांजोल्स फादर वेदर दिस वॉज द सेकेंड फ्लश। द क्रॉप विच ब्लूम्ड फ्रॉम मे टू जुलाई एंड प्रोड्यूस द बेस्ट टी। अब राजवीर जो ये सारा दृश्य देख रहा था, तो उसने प्रांजोल के पिता से पूछा कि क्या ये हम दोबारा की तुड़ाई कर रहे हैं? जब मई से जुलाई का महीना सबसे बेहतरीन चाय को देने वाला होता है, यानी मई से जुलाई का जो महीना है वो कैसा होता है? सबसे बेस्ट चाय को बनाता है। प्रांजुल्स फादर सरप्राइज्ड कमेंटेड ऑन राजवीर्स नॉलेज ऑफ टी। प्रांजुल के पिता को जब राजवीर ने ये सब बताया तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। क्यों? क्योंकि राजवीर तो कभी यहाँ रहा ही नहीं, फिर भी उसको इतनी सारी जानकारी कैसे है। हाउएवर ही सेड स्माइलिंगली ही आल्सो होप्ड
to learn a lot more during his stay. वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमको अभी रुकने पर और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। तो बच्चों ये था ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।